हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कामनी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनबो में। और आज मैं आपके साथ एक शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी जो कि है होम सेंटर का। ये सामान मैंने देहरादून पैसिफिक मॉल से खरीदा है, तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या खरीदा और कितने का खरीदा। ये सामान मैंने लॉकडाउन से पहले खरीदा था, तो प्राइस में वेरिएशन आ सकता है। सबसे पहले है ये एक मेटल प्लांटर। इसमें ये तीन प्लांटर रखे हुए हैं और जो सेम साइज के हैं, और इसकी कॉस्ट है 899। ये रेक्टेंगुलर शेप में है। और जो दूसरा मैंने इसके लिए खरीदा है, इस प्लांटर में रखने के लिए, ये फ्लावर्स हैं ये इसमें रखने के लिए, ये मुझे कॉस्ट करे 299 ईच। ये एक 299 का है और ये मैंने इसके लिए खरीदे हैं, ये प्लांटर में रखने के लिए। या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, ये बड़े ही सुंदर हैं। इसका जो ये नीचे का भी है, ये बहुत ही ग्लॉसी है और बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको ऐसे रख दीजिए कहीं पे भी, बहुत ही प्यारा है। और एक ये है, ये भी 299 का है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, बहुत ही सुंदर है ये भी। जो मैंने खरीदा है वो है ये ग्रेटर। ये एक गार्लिक ग्रेटर है, इसमें यहाँ पे गार्लिक रख के इसको ग्रेट करते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है गार्लिक को ग्रेट करने के लिए, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये मुझे कॉस्ट करा है 249 का। और मैंने खरीदा है ये एक बैम्बो ब्रेड बास्केट, जिसमें एक ही अंदर से बैम्बो का है ये बास्केट, और बाहर से इसमें एक कपड़े की लाइनिंग लगी हुई है, ये देखिए दोस्तों। और इसमें अंदर यहाँ पे ब्रेड रखते हैं, उसके बाद इसको ऐसे कवर कर लेंगे, इससे रोटियाँ गीली भी नहीं होंगी और गर्म भी रहेंगी। ये भी बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही अच्छा दिखने का भी, बहुत खूबसूरत है। ये मुझे कॉस्ट करा 399 का। और दोस्तों मैंने जो खरीदा है, और दोस्तों मैंने एक ये टी लाइट होल्डर खरीदे हैं, दो अलग अलग कलर के, और इसको आप हैंग भी कर सकते हैं और ऐसे रख भी सकते हैं। ये सारा इस ग्लास का है और इसके अंदर कैंडल रखने का है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कैंडल रखी हुई है, और इसको ऐसे बंद कर देते हैं। और ये मुझे पड़ा 200 का, 200 ईच, एक 200, दोनों मुझे 400 के पड़े। और ये भी बहुत खूबसूरत है। होम सेंटर की क्वालिटी अच्छी है, कुछ सामान अच्छा है, कुछ कॉस्टली ज़्यादा है, बट क्वालिटी अच्छी है। और दोस्तों मैंने एक ये टी लाइट कैंडल का पैकेट खरीदा है, ये मुझे कॉस्ट करा है 99 का, और इसमें 10 पीस हैं। और इसमें जो फ्रेग्रेंस लिखी हुई है लेमन ग्रास है, पर इसमें फ्रेग्रेंस इतनी आती नहीं है। अगर आप ये टी लाइट फ्रेग्रेंस के लिए खरीद रहे हैं तो मत खरीदिए, अगर आपने इनको केवल कैंडल के लिए खरीद रहे हैं तो बहुत सुंदर हैं। बट अगर आपको फ्रेग्रेंस चाहिए तो इसमें इतनी फ्रेग्रेंस है नहीं, फ्रेग्रेंस के लिए तो ये वर्थ नहीं है। और दोस्तों मैंने ये एक ऑयल रखने के लिए खरीदा है, ये स्टेनलेस स्टील का है और ये बहुत ही लाइट वेट है, और ये मुझे कॉस्ट करा है 699 का। ये एक लीटर में है और 699 कॉस्ट है इसकी। लाइट वेट ठीक है, इतना कुछ खास भी नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है। और मैंने एक टी लाइट होल्डर खरीदा है, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कम रेंज में 399 का है ये, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। आप कहीं बाहर बैठिए, गार्डन में बैठिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप ये लाइट जलाइए, इसमें आप ये इसमें टी लाइट कैंडल रखिए और इसको कहीं भी में रखिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें ये दो रेड कलर के हैं और एक ये गोल्डन कलर का है। आप इसको एक सिंगल भी रखेंगे तो भी अच्छा लगता है, और तीनों भी रखेंगे तो बड़ा खूबसूरत लगता है। हमने तो इसको बहुत यूज कर लिया है। ये है इसमें, ये मैंने ये टी लाइट डाली हुई है इसमें, इसको ऐसे रख के हम इसको जला देते हैं, और बहुत ही खूबसूरत। आप कहीं बाहर बैठ के कहीं पे डिनर करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, जैसे आजकल लॉकडाउन है तो आप एक कैंडल नाइट डिनर का, अच्छा कैंडल नाइट डिनर हो सकता है इसमें, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक मेज लगाइए, उसमें ये टी लाइट होल्डर रखिए, ये फ्लावर रखिए,
और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अच्छे से डिनर एंजॉय कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। होप आपको ये शॉपिंग हॉल पसंद आया होगा। और अब दोस्तों जल्दी से लॉकडाउन खुल जाए, फिर हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और मैं आपके साथ बहुत सारे शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय बाय।